हेलो फ्रेंड, तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दोस्तों स्वागत है। और फाइनली गाइस, आज की वीडियो में यहाँ पर हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं टेक्नो स्पार्क 7 की, जो कि न्यू फ़ोन आया है और काफ़ी अच्छा जो फ़ोन है यार, वो यहाँ पर देखने में मुझे लगा। तो सबसे पहले हम इसके आज अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। इसके फीचर्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ और सारे ट्यूटोरियल्स आपको बताने वाला हूँ ये फ़ोन आपके लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर टेक्नो स्पार्क 7 है, लुक भी काफ़ी इसका ज़बरदस्त दिया गया आपके। और सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बिल की बात करें तो इसका जो बिल है वो यहाँ पर कितना बैठा है फाइनली वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले अगर आप बिल पर एक बार नज़र डालो तो यहाँ पर जो तो यहाँ पर 7699 रुपये का, और जिसपे कि आपको SBI के क्रेडिट कार्ड के आपको 10% की छूट मिल जाती है। तो फाइनली ये जो है आपको यानी कि 6000 के आसपास जो पड़ जाता है। तो यहाँ पर देखोगे टेक्नो स्पार्क 7 6000 mAh की बिग बैटरी है, काफ़ी ज़्यादा मस्त होने वाली है। तो यहाँ पर आप सारी चीज़ें देख सकते हो, 6000 mAh की बैटरी आप समझ सकते हो कि कितनी ज़्यादा होने वाली है। तो इसका लुक देखने वाले, सबसे पहले हम इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पर अगर आप इसका लुक देखोगे तो इसका लुक जो यार काफ़ी ज़्यादा आपको मस्त यानी कि मज़ा आएगा देखने में। तो इसको सबसे पहले हम निकालते हैं। निकालने के बाद अगर आप देखोगे तो इसका जो लुक है ग्रीन कलर में तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेस्ट लगने वाला है। और इसके साथ यहाँ पर हम देखने वाले हैं जो फ़ोन में आपको क्या क्या चीज़ देखने को और मिलने वाली है। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको फ्रंट में ही देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आपको 1 साल यानी कि 12 मंथ की आपको वारंटी देखने को मिलने वाली है, जिससे कि आप जो अपना फ़ोन जो है यानी कि आपका जो फ़ोन की है वो 12 मंथ यानी कि 1 साल की आपको वारंटी देखने को मिल जाएगी। साथ ही यहाँ पर आपको टेक्नो यूज़ आपको देख सकते हो मैनुअली का एक कार्ड मिल जाएगा देखने को, अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। फाइनली अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको एक डाटा केबल मिल जाएगा। अगर हम बात करें तो आपको इसमें टाइप सी नहीं दिया गया है क्योंकि प्राइस इसका काफ़ी लो है, उसकी वजह से अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको टाइप सी देखने को नहीं मिलने वाला है। साथ ही अगर आप देखोगे तो टेक्नो का अच्छा खासा एक चार्जर मिल जाता है, 6000 mAh की बैटरी को अच्छे ठीक टाइम में जो चार्ज ये कर देगा। यहाँ पर आपको वॉल पिन मिलने वाली है जो कि आप जिससे सिम निकालने वाले हो। बाकी बॉक्स में कुछ और चीज़ नहीं देखने मिल रही है, तो हम इसको रखते हैं साइड में। साइड में रखने के बाद अगर हम अपने फ़ोन पर नज़र डालें तो फ़ोन की बात करते हैं, तो फ़ोन में काफ़ी ज़्यादा जो इम्प्रूव किया गया है, पहले आपने देखा होगा या आपने टेक्नो स्पार्क 6 था, उसके बाद 7 आया और अब जो 7T भी आ चुका है। तो यहाँ पर आप देखते हो पहले 7 के अगर यहाँ पर हम बात करें तो आपको पीछे अगर कैमरे का सेटअप देखें तो आपको कैमरे का पीछे आपको 2 कैमरे देखने को मिल जाएंगे विद फ्लैश के साथ। इससे पहले हम थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं इसके फीचर्स पे, तो जो कि इसमें आपको देखने में मिल जाएंगे। अगर हम बात करें इसके कैमरे की, रियर कैमरे की, तो आपको 16 मेगापिक्सल का ऑल डुअल कैमरा मिल जाता है, 6000 mAh की बिग बैटरी मिल जाती है और 6.5 इंच की आपको डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है। साथ ही यहाँ पर आपको ब्लूटूथ ऑडियो जो स्टोर है वो शेयर यानी आपको मिल जाएगा। नाम देखते हो टेक्नो स्पार्क 7 एंड यहाँ पर हम प्रोसेसर की बात करें तो आपको इसमें ऑक्टा कोर का जो प्रोसेसर है वो मिल जाएगा। नेटवर्क आप इसमें 4G यूज़ जो कर सकते हो। यूटिलाइजेशन इसका काफ़ी ज़्यादा मस्त है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। आपको अगर इसको रिलाइजेशन की बात करें तो आपको 720x1600 का है और इसका फ्रंट कैमरा जो है वो 8 मेगापिक्सल का यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। और इसमें जो है लॉन्ग यानी कि आपको बैटरी जो है काफ़ी कैपेसिटी आपको अच्छी देखने में मिलने वाली है, बाकी इसमें कुछ चीज़ और नहीं है। तो यहाँ पर देखते हो कलर भी काफ़ी अच्छा है। अगर आप जो कम लो प्राइस में अगर आप जो फ़ोन लेना परचेस करते हो तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके हिसाब से, अगर आप घर के लिए फ़ोन यूज़ कर रहे हो फैमिली के लिए तो वो फ़ोन जो काफ़ी अच्छा होने वाला है। इसमें आप ज़्यादा तकड़ी हैवी चीज़ इसमें यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये इसकी जो रैम है वो 2GB है और इंटरनल की बात करें तो आपको इसमें 32GB है, लेकिन ये घर के हिसाब से जो आपको काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। तो यहाँ पर हम नीचे की बात कर लेते हैं, आपको स्पीकर एंड 3.5 एड और जाएगा एंड आपको माइक देखने मिल जाता है। साथ ही अगर ऊपर की बात करें तो आपको नोच में देख सकते हो कैमरा मिल जाएगा और स्पीकर आपको फ्रंट में ही देखने को मिलेगा, जिससे कि आपको जो साउंड आगे की तरफ से ऑडियो या वीडियो पे ज़्यादा आए। तो सबसे पहले यहाँ पर इसको कर लेते हैं ऑन एंड ऑन करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा जो यहाँ पर देख सकते हो एक लोगो आ चुका है टेक्नो का। सेटिंग में यहाँ पर देख सकते हो कुछ और भी चीज़ लिखी जा रही है जो कि बहुत ही स्लो दिख रही है यहाँ पर। और यहाँ पर हम बात करें यार इसमें एंड्रॉयड वर्जन की, तो एंड्रॉयड वर्जन यार काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करके दिया है क्योंकि एंड्रॉयड वर्जन जो है इसमें यार वो 11 डाला गया है, जिससे कि आपको जो फ़ोन है बिल्कुल स्मूथ चलने वाला है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा थोड़ी चीज़ें इंप्रूव भी की गई हैं 6 से अब 7 में, और 7 से ज़्यादा इंप्रूव की गई हैं 7T में, लेकिन उसका प्राइस जो वो इससे थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन ये लो प्राइस की रेंज का है। 6 का आपको पड़ जाएगा, अगर आप इस पर थोड़ा सा डिस्काउंट लेना चाहोगे तो आप इसको परचेस कर सकते हो। मैं आपको पहले बोल रहा हूँ ये ज़्यादा हैवी चीज़ों के लिए नहीं है, अगर आप गेमिंग करना चाहते हो गेम खेलना चाहते हो तो आप इस फ़ोन को परचेस ना कर सकते हैं आप देख सकते हो, क्योंकि इसमें ज़्यादा हैवी गेम्स जो नहीं चल सकते। एक मिड रेंज के हिसाब से जो है काफ़ी अच्छा होने वाला है अगर आप इसको नॉर्मली यूज़ करते हो। तो फाइनली फ़ोन जो ऑन हो चुका है और ऑन होने के बाद मैंने इसमें देखा तो इस पर डिस्प्ले के जो कलर थे काफ़ी अच्छे मुझे यहाँ पर लगे ठीक ठाक से, क्योंकि इतने कम प्राइस के हिसाब से। और यहाँ पर आप देखोगे तो सबसे पहले हम इसमें आप चलते हैं सेटिंग्स में एंड सेटिंग्स में जाने के बाद इसमें थोड़ी सी और चीज़ें देख लेते हैं हम, जो कि इसमें आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। माई अबाउट फोन में जाएंगे यहाँ पर माई फ़ोन में,
और यहाँ पर देखो तो टेक्नो स्पार्क 7 आपको जो इसकी डिवाइस का नाम है वो फाइनली आपको देखने में मिल जाता है। साथ ही यहाँ पर हम बात करें 2 GB रैम और यहाँ पर 32 GB इंटरनल मेमोरी कार्ड, और इसका जो फ्रंट कैमरा 8 MP का है, 16 MP का आपको इसमें डबल कैमरा रियर मिल जाता है, और आपको 1.8 GHz का इसमें ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिल जाता है क्वैड। और यहाँ पर बात करें बैटरी की तो बैटरी आपको 6000 mAh की बैटरी देखने में मिलने वाली है, और साथ ही यहाँ पर आपको 720x1600 का इसका रेजोल्यूशन मिलना है एंड्रॉयड 11 के साथ। ये काफ़ी इसमें अच्छी चीज़ें दी गई थी। तो अगर हम इसको करते हैं बैक, एंड बैक करने के बाद इसका जो कैमरा टेस्ट है थोड़ा सा वो भी कर लेते हैं, कैमरे क्वालिटीज़ जो वो कैसी देखने में मिलने वाली है। अगर आप चाहते हो कि मैं इसका जो कैमरा टेस्ट है वो लेकर के आऊँ तो उसके ऊपर एक मैं वीडियोस बना दूंगा प्रॉपरली, एंड जो इसकी मिड रेंज होती है काफ़ी अच्छी जो फोटो है यहाँ पर सैम्पल्स हम ले लेंगे तो वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो। फाइनली हम जो इसका कैमरा टेस्ट करने वाले हैं नॉर्मली अनबॉक्सिंग वीडियो की तरह, तो यहाँ पर आप देख सकते हो फाइनली हम इसको रखते हैं। और यहाँ पर हम कलर की बात करें तो कलर एंड जो इसकी क्लैरिटी है काफ़ी ज़्यादा अच्छी मुझे देखने में लगी, यहाँ पर आप भी देख सकते हो। हालांकि इतनी नहीं है क्योंकि प्राइस के हिसाब से जो कैमरा है वो सही है, यहाँ पर अगर नॉर्मली आप इसको यूज़ करते हो तो उसके हिसाब से आपको काफ़ी मस्त देखने वाला है। पोर्ट्रेट मोड इसमें आपको दिया गया है, पोर्ट्रेट मोड में आपको अच्छी इसमें फोटो जो अच्छी क्लिक कर सकते हो यानी कि, और साथ ही यहाँ पर देख सकते हो ब्यूटी का ऑप्शन आपको देखने में मिल जाता है, अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो। ऑल कैम का आपको देखने में मिल जाता है। और यहाँ पर हम बात करें वीडियो की और इसके रिलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पर आपको देख सकते हो 180p में यानी कि आपको 1080p में आपको इसको जो रिकॉर्ड कर सकते हो वीडियो, 720 में और 480 का पिकअप, दोनों का तीनों का ऑप्शन यहाँ पर आपको अवेलेबल है, हालांकि ये 4K में जो नहीं है। तो ये चीज़ें थी आज की फ़ोन में जो कि आपको देख ही ली है आपने। अगर आपको ये फ़ोन जो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, अगर आप इसका कैमरा टेस्ट चाहते हो तो वो आप बता सकते हो, मैं इसकी एक वीडियो प्रॉपरली ले आऊँगा। और ये आपको फ़ोन अच्छा लगा तो यार वीडियो को बस लाइक कर देना, चैनल पर नए तो भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर देना, और आपने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते इंस्टाग्राम